बेटियां ससुराल में खुश रहती है तो हमें खुशी होती है, बहू अगर ससुराल में खुश रहती है तो हमें खराब लगता है। दामाद अगर बेटी की मदद करे तो हमें अच्छा लगता है कि मेरा दामाद जीत का दामाद है। बेटा अगर बहू की मदद करे तो कहते हैं जोरू का गुलाम हो गया है बहू के पीछे, जोरू के गुलाम हो गया है बहू के पीछे। बेटी अगर कमजोर हो जाए तो कहते हैं, बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख होता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो कहते हैं बहाने तलाश कर रही है कामचोर कहीं की। बेटी अगर कमजोर हो जाए तो कहते हैं ससुराल वाले बहू जुल्म करते हैं, मेरी बेटी कमजोर हो गई। बहू अगर कमजोर हो जाए तो कहते हैं खाती तो बहुत है पर जाता कहाँ है, ऐसा क्यों करते हो भाइयों और बहनों, ऐसा क्यों करते हो भाइयों और बहनों। बेटी अगर ससुराल में अकेली काम करे तो अच्छा नहीं लगता, और बहू अगर ससुराल में अकेली काम करे तो भी वह कामचोर ही कहलाती है। सास और ननद काम न करे तो गुस्सा आता है कि मेरी बेटी ये अकेली क्यों, और खुद के घर में वो बहू की मदद न करे तो भी वो अच्छा ही होता है। बेटी के ससुराल वाले अगर ताना मारे तो गुस्सा आता है, और खुद बहू के मायके वाले को ताना मारे तो सही लगता है। माता पिताओं को बेटियों का घर रानियों जैसा रखने वाला चाहिए, तुम लोगों को बहू काम वाली चाहिए। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है, वो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। बेटियों में इतनी हिम्मत है जो कि दूसरों के घर जाके दूसरों के माता पिताओं को अपना स्वीकार करती है। बेटों में इतनी हिम्मत नहीं है जो कि दूसरों के घर जाके दूसरों के माता पिताओं को अपना स्वीकार करे। मैं आपके सामने दो शब्द और कहना चाहती हूँ, समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत वालों को मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय आने पर समझ नहीं आता और समझ आने पर समय निकल जाता है। किसी ने सच्ची कहा है, जिंदगी सिर्फ दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में एक दिन तुम्हारे खिलाफ में। जिस दिन तुम्हारे हक में हो तो कभी गुरूर न करना भाइयों, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ में हो उसे थोड़ी सब्र रखना। कचरे के डिब्बे में गिर पड़ी ये रोटियां रास व्यय करती हैं, कचरे के डिब्बे में गिर पड़ी ये रोटियां रास व्यय करती हैं, पेट भरते ही इंसान अपनी औकात याद दिलाते हैं। धन्यवाद भारत माता की।